दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में छात्र छात्राओं का हंगामा। हिंदू कॉलेज में वेलेंटाइन डे के दिन एक कीकर के ट्री को वर्जन ट्री मानकर कुछ छात्र करते हैं पूजा। कीकर के पेड़ पर कंडोम लटकाकर और लड़कियों की तस्वीर लगाकर करते हैं पूजा। कुछ छात्र छात्राओं द्वारा इसका विरोध जारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में पुराने कीकर पेड़ की हर वेलेंटाइन डे पर छात्र छात्राएं कंडोम से पूजा करते हैं। ट्रेडिशन माना जाता है, वर्जिन ट्री नाम का एक पेड़ इन्होंने बनाया है, जो पेड़ की कोई गलती नहीं है। इन लोगों ने साल भर साल वहाँ पे कॉन्डम रखा है, कॉन्डम की भी कोई परेशानी नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो औरतों की फोटो ही चिपकाते हैं और वहाँ पे उनको दमदमी माई का दर्जा दे के उनकी पूजा करते हैं, तो वो पूजा नहीं है, वो बेसिकली शेमिंग है इस तरीके का। और बहुत साल से चलता आ रहा है और ये सारे जितने भी मीडिया हाउसेज हैं बहुत उनको हवा बनाते हैं। डेली टाइम्स के फ्रंट पेज में हर साल होता है कि कैंपस कल्चर कैसा होता है, और कैंपस कल्चर का मतलब इनको लगता है कि ये वर्जिन ट्री की पूजा हमारा कल्चर रिफ्लेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे आज आए थे कि हम यहाँ का कैंपस का कल्चर बदलेंगे, जो महिला विरोधी इनकी रीति रिवाज है उनको चैलेंज करेंगे और अपने मतलब अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और ये सारे जितने भी ट्रेडिशन है उनको भंग करेंगे। साथ ही फिल्म सेलिब्रिटी का पोस्टर पेड़ पर लगाते हैं। आज पहले से ही प्रबंध कर दिए थे क्योंकि कुछ संगठन इसका विरोध कर रहे थे। इस साल हिंदू कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जैसे ही पूजा शुरू की, कॉलेज के अंदर जबरन छात्र छात्राओं का समूह घुस आया जो अलग अलग कॉलेज से आए थे। साथ ही एबीवीपी का आरोप है कि इनमें जेएनयू जैसी दूसरी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं भी शामिल थे, जिन्होंने पूजा करने वाले छात्रों के साथ मारपीट की और जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली पुलिस ने दोनों छात्र संगठनों को बलपूर्वक अलग अलग किया। दोनों ही छात्र संगठन मौका मिलते ही एक दूसरे पर हमला बोलकर मारपीट कर रहे हैं। पुलिस को भी छात्रों को हटाने के लिए कई बार मारपीट करनी पड़ी। नमस्कार, मैं हिंदू कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ और आज जो मुद्दा चल रहा है बीटी का मुद्दा, कल रात से पिंजरा तोड़ वाले, आईसा वाले, ऐसे भाई वाले हम लोग के हिंदू के गेट पे हमला किए हैं, हम लोग के प्रशासन के खिलाफ, हम लोग की इंटीग्रिटी के खिलाफ आवाज उठाए हैं। हालांकि हिंदू का हर एक बच्चा चाहता था कि ये पूजा हो, मेजोरिटी ऑफ द पीपल चाहते थे, है पूजा हो या ना हो ये अलग मुद्दा है, पर बाहर वाले आके हम लोग के हिंदू के मसले में घुस रहे हैं, हम पर हमला किए। मैं छात्रा हूँ, ये लोग लड़कों को लड़कियों के आगे कर रहे हैं, मुझे धक्का दिया गया, मेरे हाल देखिए, मेरे बाल नोचे गए, मेरे हाथों में भी निशान है, ये इस तरह से हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं और लड़कियों को लड़कों के आगे कर रहे हैं। एक लड़का पोस्टर को बचाने के लिए जब पेड़ पे चढ़ा था, उसको चार लड़कियों ने घेर लिया, उसके कान नोच रहे थे, पोस्टर नोच रहे थे, ऐसी हरकतें हो रही है। और ये सब करने वाले बाहर के लोग हैं, मैक्सिमम हिंदू के दो चार बच्चे होंगे पर मैक्सिमम बाहर के लोग हैं, बाहर के फंडेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग लेफ्टिस्ट कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि पिंजरा तोड़ वाले, सोपाल पिंजरा तोड़ वाले कल रात से हमारे हिंदू पे हमला कर रहे, गेट तोड़ा इन्होंने, अंदर घुसे और हर एक छात्र, मैं एक छात्रा हूँ, मुझ पर हमला किया, वहाँ के लड़कों को चाटा पड़ रही, कुछ कहे तो फेमिनिज्म का झंडा उठा देते। मैं एक लड़की हूँ और कह रही हूँ ये फेमिनिज्म नहीं है, ये सब गुंडागर्दी है। किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग? ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि बीटी का जो पूजा है ये नहीं होना चाहिए, बीटी सेलिब्रेशन। हालांकि उन्होंने जो जो चेंजेस कहा था वो चेंजेस हुआ, ऐसी कोई अश्लील चीज दिखाई नहीं गई, फिर भी ये लोग पूजा का विरोध कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक इन लोगों का अहम का मुद्दा हो गया है। बस इन लोगों को बस एक पब्लिसिटी चांस चाहिए, हम लोग के ऊपर हमला करना है, हिंसा का प्रयोग करना है और व्यू में एक नाम बनाना है और कुछ नहीं। आज कई घंटों से लगातार हिंदू कॉलेज के आगे हंगामा चलता रहा। आयशा और ए सिफाई से जुड़े स्टूडेंट हिंदू कॉलेज के गेट पर आजादी के नारे लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ए बीवीपी इनका विरोध कर रही थी। फिलहाल काफी पुलिस बल दिल्ली यूनिवर्सिटी में तैनात कर दिया गया है और अभी भी नारेबाजी जारी है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। यहाँ एबीवीपी का कहना है कि इस साल इसको पूजा ना कहकर एक सेलिब्रेशन मान रहे हैं और किसी तरह का इस वर्ष अश्लील भी नहीं किया गया। बावजूद इसके इस परंपरा का विरोध करना अनुचित है, इसलिए दोनों संगठनों में तनाव बना हुआ है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के सामने दोनों छात्र संगठनों में शांति बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। सेलिब्रेशन था, इस पे किसी भी तरह का अश्लील फोटो नहीं था इस बार। मेरे पास तस्वीरें भी है जहाँ पे दिखाया गया कि किस तरह उस फोटो को भी उन्होंने तोड़ा, कहा था कि लव हैज नो नो रिलीजन नथिंग, ऐसे पोस्टर है उसको भी फाड़ दिए। बेसिकली ये लोग के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ हिंसा का प्रयोग करना चाहते हैं, हम जैसे आम छात्रा और छात्राओं पे सिर्फ हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं।